हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिस मैनजाइटिस तो मैनजाइटिस के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि मैनेंजाइटिस डिस की पैथोफिजियोलॉजी उसके साइन एंड सिम्टम्स उसके होने के कारण की जो कॉजेज हम कहते हैं सिम्टम्स किस तरह से उसका डायग्नोसिस होता है एंड व्हाट आर द मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट फॉर दिस डिसीज़ मैन तो मैन जो डिसीज़ है उसके अंदर मेनली हमारा जो ब्रेन होता है वो एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अफेक्ट होते हैं कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि यहाँ पे हम टाइटल स्लाइड में देख सकते कि जो स्पेशली ब्रेन के अंदर काफ़ी जो है वो पर्सन को पेन होता है एज वेल एज फीवर जैसा होता है एंड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट होते हैं जिससे कारण काफी अनकंफर्टेबल फील करता है पेशेंट आफ्टर द मैन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्रेन है कि जो नॉर्मल हेल्दी जो ब्रेन होता है नॉर्मल हेल्दी और ब्रेन विथ बैक्टीरियल मैनजाइटिस की जो बैक्टीरिया के कारण जब किसी पर्सन को मैनजाइटिस होता है तो ये सब हम देख सकते हैं ये वाला पर्सन तो ये हेल्दी पर्सन कि जिसको हम लिख सकते हैं एच मीन्स द हेल्दी और यहाँ पे मैनजाइटिस हुआ है मीन्स एम तो स्पेशली जो मैनजाइटिस के अंदर जो मैनजिस का जो पोर्सन होता है ब्रेन का वो अफेक्ट होता है एंड स्पेशली जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन से होकर नीचे स्पाइनल कॉर्ड के तरफ भी फैलता है तो ये डिसीज के बारे में हम डिटेल में अब स्टडी करते हैं तो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एम प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मा रॉक्स गेट द लिंक ऑफ फार्मा रॉक्स एप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो गूगल प्ले स्टोर पर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अगर आप एप्पल आईफोन यूजर है तो जरूर से आपको डाउनलोड करिए फ्रॉम द ऐप स्टोर सो यू विल फाइंड द सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल पीडीएफ एंड पीपीडीज ऑफ अवर लेक्चर रैपिड रिविजन नोट्स इन अफोर्डेबल प्राइस दिस स्टडी मटेरियल ऑन दॉक्स एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपलाइफन एप ऑन ऐप स्टोर सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है स्टडी के अंदर वो है मैन सो व्हाट इज मैनेजाइटिस फर्स्ट ऑफ ऑल so meningitis is an inflammation of the meninges this is your main important pinpoint. point this disease is mainly characterized by the inflammation of the meninges and what is the meninges what is the meninges the meninges is made up of a <coughs> three membrane meninges are the mainly three membrane दैट कवर्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो ये कौन से कौन से मेम्बर मेंब्रेन है तो थ्री मेम्ब्रेन्स वो आपको याद रखना है मैनेजिस के जितने भी ये तीन मेम्ब्रेन है उसका होता है इन्फ्लामेशन दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो मैनेजिस है वो एक थ्री लेयर पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप मैनजिस देख सकते हैं कि जो ये हमारा ब्रेन है तो ब्रेन के आसपास ये पूरा लेयर जो ये तैयार होता है कि जो मैं अभी येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं तो ये जितना भी ये येलो कलर से हो रहा है कि नीचे फिर वो स्पाइनल कॉर्ड की ओर भी बढ़ेगा तो वो पूरा है मैनजिस एंड दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेन दो पार्ट है सी एन एस इज मेड अप ऑफ ए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो हमें पता है नर्वस सिस्टम के अंदर हम सीखते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करने वाला एक पूरा जो मेम्ब्रेन है उसको कहा जाता है मैनजिस और ये डिसीज़ के अंदर मैनजाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन होता है ये मैनेंजिस का तो मैनजिस के अंदर जो तीन कंपोनेंट है उसके अंदर हम देखें तो फर्स्ट जो है वो है ड्यूरा मैटर कहा जाता है कि ये वाला रीजन फर्स्ट कि ये सबसे ऊपर का जो फर्स्ट लेयर है वो है ड्यूरा मैटर फिर उससे नीचे उससे नीचे एरेचनोइड मैटर है ये वाला सेकंड और उससे भी सबसे नीचे वाला लेयर है उसको कहा जाता है पिया तो ये वाला थर्ड लेयर दैट इज ए पिया और फिर ये नीचे ब्रेन का मेन पोर्शन स्टार्ट हो जाता है कि जो सेरेब्रम उसके अलग अलग लोब्स वगैरह बट पूरे ब्रेन को कवर करने के लिए यह एक थ्री लेयर मेम्ब्रेन होता है कि जिसके अंदर फर्स्ट लेयर है ड्यूरा मेटर का कि ये फर्स्ट ड्यूरा मैटर सेकंड अराचनोइड मैटर एंड थर्ड इज पिया मैटर तो ये फर्स्ट ये वाला सेकंड और ये थर्ड और ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो कहा जाता है वो है मैनजिस और इसी का होता है इन्फ्लेमेशन, इन दिस डिसीज और उसको कहा जाता है मैनेंजाइटिस तो मैनेंजाइटिस कैन अकर्स वेन फ्लूड सराउंड द मैनेंजिस बिकम इन्फेक्टेड तो मैनेंजाइटिस क्यों होता है तो so, उसका मेन यहां पे रीजन है कि द फ्लूड सराउंडिंग द मैनेंजिस बिकम इन्फेक्टेड क्या हमें पता है कि जो ये मैनेंजिस है ये थ्री लेयर एक मेम्ब्रेन है कि जिसके अंदर ड्यूरा मैटर अराचनोइड मैटर एंड पिया मैटर ये तीन प्रेजेंट है और ये पूरा ब्रेन का पोर्शन और ये ब्रेन के आसपास आया हुआ ये मैनजेस अब बाहर की ओर जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए हमें पता है कि देर इज ए स्कल कि ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर हमारे बॉडी की जो क्रेनियल कैविटी है उसके अंदर प्रॉपर जो है वो अच्छे से फिट हुए तो स्कल फिर मैनजीज और नीचे का सेरेब्रम पोर्शन तो वहां पे प्रेजेंट होता है फ्लूइड फ्लूड जिसको कहा जाता है सी एस एफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड सी एस एफ जो है वो प्रेजेंट होता है कि कौन सा फ्लूड इंफेक्टेड होता है तो सी एस एफ स्पाइनल फ्लूड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैनजाइटिस आर वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो फ्लूड होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड तो ये जो सी एस एफ जो कहा जाता है शॉर्ट में वो होता है इन्फेक्टेड अब समझो कि ये थ्री लेयर्स जो है मैंने जिसके उसके आसपास रहा जो भी फ्लूड है उसके अंदर ये बैक्टेरिया एंड वायरस प्रेजेंट है कि जो ये फ्लूइड को क्या करते हैं इन्फेक्टेड ये फ्लूइड अब कॉन्टामिनेटेड होता है इन्फेक्टेड होता है और ये फ्लूड के कॉन्टेक्ट में आने वाले ये मैनिन का जो पोर्सन है ये तीनों मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं और उनका होता है इन्फ्लामेशन बिकॉज ये जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट थे सी एस एफ के अंदर वो अब क्या करेंगे अपनी ग्रोथ करना चालू करेंगे कि बैक्टीरिया इन सी एस एफ स्टार्ट टू मेक देयर ग्रोथ अब ग्रोथ करने के बाद वो क्या करेंगे अपने टॉक्सिन्स है वो वहाँ पे रिलीज करेंगे और वो टॉक्सिन्स के कारण वहाँ का जो एरिया है वो क्या होगा इन्वेड होगा मतलब कि उसको लगता है चेप और इन्वेड होने के कारण वो एरिया बनता है इन्फेक्टेड ज्यादा और फिर आगे जाके उसके जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो डैमेज होंगे और फिर होगा वहां पे इन्फ्लेमेशन तो ये है मेन रीजंस। तो कौन से रीजंस है और डिटेल में जानते हैं कि बैक्टीरिया दैट एंटर इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रैवल टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉड एंड कोस द एक्यूट मैनजाइटिस कि जो मैनजिस का जो हमारा ये पोर्शन है कि ड्यूरा मैटर अराचनोइड मैटर एंड पिया मैटर की जो बनाते हैं मैनजिस को तो मैनजिस जो है उसके आसपास होता है ये फ्लूड कि जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल स्पाइनल फ्लूड अब ये जो बैक्टीरिया है वो एंटर होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंड फिर ट्रैवल करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंड कोज द बैक्टीरियल मैनेंजाइटिस कि बैक्टीरिया के कारण जो स्पेशली मैनेंजाइटिस होता है उसको कहा जाता है बैक्टीरियल मैनेंजाइटिस बट इट कैन ऑल्सो अकर्स वैन बैक्टीरिया डायरेक्टली इनवेट द मैनेज दो कंडीशन है फर्स्ट कि बैक्टीरिया आते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम कि एक कंडीशन हम ऐसे सोचते हैं यहां पे कि जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आए हैं और फिर वो मैनेजिस का पोर्शन वगैरह डैमेज करते हैं एंड सेकंड कंडीशन है कि डायरेक्ट डैमेज डायरेक्टली डैमेज करते हैं या फिर इन्वेड करते हैं कि जिसको हम कहते हैं चेप लगना डायरेक्टली इन्वेड द मैनेंजिस तो एक तो पहले ब्लड स्ट्रीम में से आके वहाँ के जो सी एस एफ के अंदर एंटर होके फिर सी एस एफ को इन्फेक्टेड करके फिर मैनजिस को अफेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली वो मैनेंजिस को भी टारगेट कर सकते हैं ऐसा नहीं कि सी एस एफ बट डायरेक्टली वो मैनजिस को भी अफेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है किसी भी मैनजाइटिस डिसीज़ के अंदर बट अल्टीमेटली आखिर में जो अफेक्टेड होता है मेन रीज़न वो है मैनेंजिस कि जो पूरा एक लेयर है थ्री लेयर कि जिसके अंदर ड्यूरा मैटर अराचनोइड मैटर एंड पिया मैटर प्रेजेंट ये तीनों लेयर्स जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं और उनका होता है इन्फ्लामेशन फिर एक और रीज़न है यहाँ पे आ, दिस में आल्सो कोज बाय एन ईयर और साइनस इन्फेक्शन कि समझे कि यहाँ पे ईयर का जो पोर्शन होता है उसका समझो कि पर्सन को इन्फेक्शन था या फिर जो हम ये पूरा साइनस का जो रीजन कहते हैं साइनस और ईयर तो उन उसके इन्फेक्शन के कारण भी आगे जाके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो समझो कि आपके मैनेजिस की ओर भी पहुंचती है और वहां पे जाके फिर मैनजाइटिस कर सकती है फिर यह ब्रेन के प्रोटेक्शन के दिए दिया हुआ जो स्कल होता है वो समझो कि स्कल का होता है फ्रैक्चर और रेयरली सर्जरीज। अब सर्जरी के दौरान भी समझो कि पेशेंट की समझो कि कोई ब्रेन सर्जरी हुई है स्पाइनल सर्जरी हुई है और कोई उस वक्त समझो कि पर्सन को इस तरह सा कोई इन्फेक्शन लग जाता है बैक्टीरिया क्या कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिसीज मैनजाइटिस तो उस दौरान भी जो पर्सन है वो मैन से इन्फेक्टेड हो सकता है तो ये जब ने हमने अलग अलग रीजन्स की मेन तो बैक्टीरिया की जो डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या फिर डायरेक्टली वो इन्वेड कर सकते हैं मैन और उसके अलावा जो हम सोचते हैं कि शायद वो ईयर और साइनस इन्फेक्शंस के कारण भी फैल सकते हैं ऑल्सो ड्यू टू द स्कॉल फ्रैक्चर और रेयरली बाय सम सर्जरीज ये सब रेयरली है नीचे वाला थर्ड पॉइंट बट वो भी कई बार माइनर केसेस के अंदर की जो कुछ केसेस के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मैन तब यह मेन आपको इंपॉर्टेंट टेबल याद रखना है कि जो नियोनेट्स के अंदर नियोनेट्स की जो एज होती है तो नियोनेट्स के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है होने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो है स्ट्रेप्टोकोकाई ई e. कोलाई कि जिसको हम कहते हैं इसेरिस कोलाई ई कोलाई बैक्टीरिया एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है कौन सी एज के अंदर तो नियोनेट्स एज के अंदर अब समझो कि कोई इन्फेंट्स है तो इन्फेंट्स के अंदर निसेरिया मैनिंजाइटिडिस तो दिस इज द मेन कोजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म निसेरिया मैन फॉर द डिस मैन उसके अलावा भी हीमोफाइलस इंफ्लुएंजे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनिये इन द इन्फेंट्स अब समझो कि और एज इंक्रीज होती है और चिल्ड्रंस एज में पहुंचता है बच्चा तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है सेम निस, निसेरिया मैनिजाइटिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और, और एडल्ट के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नेसेरिया मैनजाइटिस माइकोबैक्टीरिया एंड क्रिप्टोकोकाई तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग एज वाइज कि जिसको आपको अच्छे से याद रखने हैं चारों ग्रुप एज के कि नियोनेट्स की एज के अंदर इनफंट्स एज के अंदर चिल्ड्रन एंड वन इज द एडल्ट एज और ये है मेन नेसेरिया मैनजाइटेडिस बैक्टीरिया यहाँ पे जो हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर तो इस तरह से ये बैक्टीरिया दिखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप कि जो मेन पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं फॉर द डिस मैन तो नेक्स्ट जो हमें सीखना है वो है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस दिसेस के डिसीज के साइन एंड सिम्टम्स क्या है तो सबसे पहले सडनली हाई फीवर सडनली द हाई फीवर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिसीज कि साइन एंड सिम्टम्स के अंदर देखे तो फीवर और वो भी हाई फीवर स्टीफ नेक कि जो नेक का जो पोर्शन है आपका वो काफी स्टीफ हो सकता है कि जो नेक का पोर्शन काफी जकड़ जाता है ऐसा लगता है आपको तो देर इज अ स्टीफ नेक इज़ वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम थर्ड इज सिवियर हैडेक पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द हेडक सर दर्द जो है वो काफ़ी इंक्रीज होता है बिकॉज ये मेनली तो ब्रेन का पोर्सन ही अफेक्ट करता है ये डिसीज तो सीवियर हैड एक दैट सीम्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कि जो कुछ नॉर्मल हैडेक्स होते हैं उसके कंपेयर में काफ़ी सीवियर हेड एक जो है वो पेशेंट को होता है तो फीवर एक खास अच्छे से याद रखो नेक्स में स्टिफनेस हो सकती है हेड एक विथ एंड वॉमिटिंग नॉजिया एंड वॉमिटिंग के साथ जो है वो पेशेंट को हेडैक होता है तो वॉमिटिंग और साथ में नोजिया भी फिर एक और इंपॉर्टेंट उसका साइन एंड सिम्टम्स है वो है कन्फ्यूजन पेशेंट है वो काफी कन्फ्यूज रहता है ये डिसीज के अंदर बिकॉज जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण मेनली उसकी नर्वस सिस्टम पर भी अफेक्ट करता है तो कन्फ्यूज़न और डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग कि अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके वो पर्सन जो है वो काम नहीं कर सकता तो ये थे उसके आ, कुछ सिम्टम्स और जानते हैं डिटेल में दूसरे सिम्टम्स के सीजर्स सीजर्स हो सकते हैं पेशेंट को देन स्लीपीनेस और डिफ़िकल्टी इन वेकिंग स्लीपीनेस कि पर्सन जो है वो स्लीपी रहता है काफ़ी नींद ज़्यादा आती रहती है उसको तो स्लीपीनेस एक काफ़ी यहाँ पे फैक्टर है कि जब आप उसके साइन एंड सिम्टम्स से जब पेशेंट को देखते हैं तो ये भी एक इंक्लूड हो जाता है कि ज़्यादा सोता ही रहता है ये पेशेंट स्लीपीनेस ज़्यादा होती है सेंसिटिविटी टू लाइट यहाँ पे हम देख सकते हैं पर्सन इज सेंसिटिव टू द लाइट कि यहाँ पे लाइट का जो बल्ब है या फिर किसी भी टाइप की लाइट से वो उसको सेंसिटिविटी रहती इट मींस इट डिसलाइक द लाइट लाइट उसको अच्छी नहीं लगती फिर नो एपेटाइट और थ्रस्ट भूख भी नहीं लगती और प्यास भी नहीं लगती नो एपेटाइट नो थ्रस्ट देन स्किन रेसिस समटाइम्स सच एज इन मैनिंगो कोकल मैनिंग द रैसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन ऊपर रेसिस डेवलप हुए तो ये है उसके अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मैन वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी पॉइंट कि उसके सिम्टम्स फीवर होता है नोजिया वॉमिटिंग हेड एक कन्फ्यूजन सीजर्स रेसिस स्लीपीनेस और डिफिकल्टी इन वेकिंग अब उसकी पैथोफिजियोलॉजी हम समझे ये डिसीज की तो बैक्टेरियल मैनिंजाइटिस इज कैरेक्टराइज बाय द एंट्री ऑफ बैक्टीरिया इनटू सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड बैक्टेरिया आपके सी एस एफ के अंदर एंटर होते कि जो मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया है फॉर द मैन दे एंटर इन टू द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो आके सेब्रोस्पाइनल फ्लूड में पहुँच सकते हैं एंड बैक्टीरियल ग्रोथ इन दिस कंपार्टमेंट फिर क्या करते हैं बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करते बिकॉज उनको फेवरेबल एनवायरमेंट और कंडीशन अब मिल चुके हैं इन दिस कंपार्ट लीडिंग टू इन्फ्लामेशन विद इन द सी एस एफ एंड एडजेसेंट ब्रेन टिश्यूज स्पेशली द मैनजेस ब्रेन टिश्यू में भी कौन सी तो जो उसको पोपर कवर करने वाली जो टिस्यू है ये जो अभी येलो कलर से हम पूरा उसको हाईलाइट कर रहे हैं दैट इज ड्यूरा मैटर फर्स्ट लेयर इज डे ड्यूरा मैटर सेकेंड इज अराचनोइड मैटर एंड थर्ड इज़ द पिया मैटर दैट मेनली अफेक्ट इन दिस डिसीज एंड लीड्स टू और लीडिंग टू इन्फ्लामेशन इन दिस रीजन और वो है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस डिसीज़ के जिसी के कारण उसको मैनिंजाइटिस भी कहा जाता है तो जब बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो है वो करेंगे प्रॉपर ग्रोथ ग्रोथ करने के बाद ये बैक्टीरिया है वो अपने टॉक्सिंस जो है वो खास करके रिलीज करते हैं उसके कारण वो जो एरिया है वो क्या होता है इन्वेड होता है उसको चेप लगता है और उसके कारण आगे जाके वहाँ के जो सेल्स एंड टिश्यू है वो होती है डैमेज और उसका होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन तो ये भी कॉन्सेप्ट आप समझा सकते हो एग्जाम्स के अंदर इन द मैनेंजाइटिस पैथोफिजियोलॉजी की बैक्टीरिया एक बार एंटर हो गए चाहे वो सीएसएफ के थ्रू आगे मैनेजिस को अफेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में से सेरेब्रोस्पाइनल फूड फ्लूड में पहुंच के या फिर डायरेक्टली मेनेंजिस पर अफेक्ट करते हैं बट उनकी जो ग्रोथ एक बार हो जाती है उसके बाद वो रिलीज करते हैं अपने टॉक्सिन्स और उसके कारण जो सेल एंड जो है वो इन्वेड होती है उनको उसका चेप लगता है आगे जाके वो डैमेज होती है और फिर उनका होता है इन्फ्लेमेशन तो ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि सिंपली आपको तो यही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है कौन से पार्ट उसके अफेक्ट होते हैं एंड किस तरह से बाकी मेन जो है वो यही कॉन्सेप्ट रहेगा आपके लिए मैनेंजाइटिस के अंदर तो मैनेजाइटिस का आप डायग्नोसिस कैसे किया जाए तो स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए कि जो भी पर्सन जो है वो सैंपल कलेक्ट करता है बिकॉज यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो करनी है उसका जो नाम है वो है कहा जाता है स्पाइनल टैप इन अदर वर्ड इट इज ऑल्सो कॉल लंबर पंचर इन अदर वर्ड इट इज ऑल्सो कॉल ए लंबर पंचर कि जो यहाँ पे लंबर का जो पोर्सन होता है वो एरिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीडल से प्रॉपर पंचर जो है वो किया जा रहा है और वहाँ पे प्रेजेंट जो सी एस एफ होगा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड जो होता है कि जो यहाँ पे पंचर करके रिमूव किया जाएगा सी एस एफ विल बी रिमूव फॉर टेस्टिंग कि जो भी पर्सन इससे इन्फेक्टेड है उसका टेस्ट करने के लिए उसका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड जो है वो हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम दिस रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कि जिसको कहा जाता है लंबर पर्सन फॉर ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ द मैनेंजाइटिस नीड अ स्पाइनल टैप टू कलेक्ट सेरेब्रोस्फाइनल फ्लूड कि प्रॉपर ये गैस्टर के अंदर पेशेंट को बिठा के कि थोड़ा सा आगे झुक के इस तरह से पोजिशन में जब पेशेंट बैठता है तो आप इजिली ये कवर कलेक्ट uh, कर सकते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए बिकॉज आपको ऐसे ये कवर करना है कि जिससे आपका स्पाइनल कॉर्ड की जो स्पाइनल नर्व्स होती है स्पाइनल नर्व डैमेज ना हो उस तरह से प्रॉपर आपको ये काम करना है तो सैरब्रोस्पाइनल फ्लूड ड्रॉन फ्रॉम बिटवीन टू वर्टिब्रे एंड दैट इज एल थी वर्टिब्रे एंड एल फॉर वर्टिब्रे एल थ्री एंड एल फोर के बीच का जो पोर्सन है तो दिस इज एल थ्री इतना रीजन और फिर ये वाला एल फोर तो उसका जो सेंटर का जो ये पोर्सन है वहाँ से स्पेशली निडल के थ्रू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड जो है वो रिमूव किया जाता है तो यहाँ पे लिखा है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड कलेक्टेड फ्रॉम द थल सेक दैट्स अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ पे लिखा है स्पाइनल स्टेबर डन बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्रे व्हाट इज द रीजन बिकॉज देयर आर और देर इज नो स्पाइनल कॉर्ड एट दैट लोकेशन बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ तक आती है तो हियर यहाँ तक जो है वो स्पाइनल कॉड आके ये एंड हो गई यहाँ पे ये डायग्राम में देखे तो यहाँ तक दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द स्पाइनल कॉड और जो नीडल लगाई है वो यहाँ पे है हियर इज दैट नीडल तो काफी डिस्टेंस है जिससे कारण जो स्पाइनल नर्व से वो डैमेज ना हो एज वेल एज एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की स्पाइनल नर्व्स में से निकलने वाली जो पेरीफेरल नर्व्स होती है कि जो ये वाले हैं उसको भी ये नीडल अफेक्ट ना करे इसलिए स्पेशली ट्रेनिंग के साथ कि सिर्फ यहाँ से ही सी एस एफ को कलेक्ट किया जाए इस तरह से ये नीडल को प्रॉपर लगाई जाती है प्रॉपर एंगल से जो है वो ये फ्लूड वहाँ से कलेक्ट किया जाता है फॉर द टेस्टिंग पर्पस तो केयर काफ़ी ली जाती है ड्यूरिंग द कलेक्टिंग दिस टाइप ऑफ सैंपल थ्रू दिस स्पाइनल पंचर की जो स्पाइनल का जो रीजन है और उसके अंदर कि जो उसकी जो थिकल सेक की जो हम कहते हैं एल थ्री एंड एल फोर का बीच का जो रीजन है वही से ये कलेक्ट किया जाता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के लिए आपको ये खास अच्छे से याद रखना है कि कौन से रीजन में से कलेक्ट कलेक्टर किया जाता है एंड व्हाट इज द रीजन बिकॉज देर इज नो स्पाइनल कॉड एट दैट लोकेशन तो यह है उसका डायग्नोसिस तरह से कि लाई ऑन टेबल ऑन फेटल पॉजिशन किस तरह से पेशेंट को आप एडजस्ट करते है उसकी पॉजिशन उसके बाद डॉक्टर इंजेक्ट एनेस्थेटिक टू नम द लोअर बैक थर्ड इज नीडल इंसर्टेड बिट्वीन लोअर बैक बॉन्स बिटवीन द एल थ्री एंड एल फॉर एंड हियर फ्रॉम दिस इज एल थ्री एंड दिस इज द एल फॉर उसके बीच में सेनल फ्लूड जो है वो कलेक्ट किया जाता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सी एस एफ फ्लूड विल बी ड्रॉन तो अब किस तरह से उसका डायग्नोसिस होगा तो वो समझिए आप अच्छे से इन पीपल विथ मेनि जेट इज द

तो बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के अंदर वो होता है लो लो शुगर ग्लूकोज़ तो आप देख सकते हैं फोर्टी से डिक्रीज होता है लेस देन फोर्टी होता है तो वो इंडिकेट करता है मैनन्जाइटिस फिर ट्यूबर क्लोसिस है तो उसमें ग्लूकोज का लेवल हो जाता है लेस देन टेन मिलीग्राम पर डेसीलीटर वायरल मैनजेटिस के अंदर वो फोर्टी टू सेवेंटी ही रहता है एज वेल एज गुल बेरे के अंदर भी फोर्टी टू सेवेंटी ही रहता है अलॉन्ग विथ एन इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट तो जो दूसरा जो एक डायग्नोस्टिक फीचर है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड की एनालिसिस के अंदर की इंक्रीज डब्ल्यू तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू डब्ल्यू की होती है जीरो टू फाइव सेल्स पर माइक्रोलीटर पर माइक्रोलीटर के अंदर जीरो से पांच सेल होते हैं जो इंक्रीज होके हो जाते हैं ग्रेटर देन वन थाउजेंड वो इंडिकेट करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है एंटीजन और वो एंटीजेंस को किल करने के लिए आपके बॉडी के वाइट ब्लड सेल का काउंट काफी इंक्रीज होता है कि जो काम करेंगे एज अ एंटीबॉडी तो उसके कारण उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता है यहाँ पे ये डिसीज के अंदर एंड ट्यूबरकुलोसिस क्लोसिस में तो वो पाँच से लेकर एक हजार के तरफ पहुँचते हैं वायरल मेनिनजाइटिस में भी हंड्रेड से वन थाउजेंड सिर्फ गुल बेरे के अंदर उसकी वैल्यू जीरो से पाँच रहती है एंड थर्ड इज़ इंक्रीज इन प्रोटीन तीसरी जो कंडीशन है वो है इंक्रीज इन प्रोटीन तो प्रोटीन का भी यहाँ पे दिया है कि नॉर्मल लेस देन 40 एम प्रोटीन इज़ अवेलेबल फॉर द डेसीटर तो यहाँ पे क्या होता है ग्रेटर देन 250 होता है बिकॉज इंक्रीज़ होता है प्रोटीन इंक्रीज़ होते हैं डब्ल्यू एंड इंक्रीज़ होता है प्रोटीन तो प्रोटीन की वैल्यूज़ जो है वो ट्यूबरकुलोसिस एंड बैक्टीरियल मैनजाइटिस के अंदर इंक्रीज होती है जबकि वायरल मैनेंजाइटिस के अंदर वो डिक्रीज होता है बट वो भी कितना लेस देन हंड्रेड हो जाता है कंपेयर टू द बैक्टीरियल एंड ट्यूबरकुलर मैनेजाइटिस के कंपेयर में थोड़ा लो होता है जबकि गुलन बेरे के अंदर प्रोटीन जो है वो फोर्टी फाइव से लेकर वन थाउजेंड एम जी पर डी एल आपको मिलता है तो ये टेबल जो है वो आपके लिए है काफी मोस्ट आई एम पी तो ये टेबल को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है फ्रॉम दिस डिसीज़ ये टेबल में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि किस तरह से पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के अंदर सैरेप्रस वाइनल फीड की एनालिसिस करके हम डायग्नोसिस कर सकते समझो कि किसी पेशेंट का आ रहा है ग्लूकोज लेवल लेस देन सेवेंटी है डब्ल्यू भी 1000 से ज़्यादा है एंड प्रोटीन 250 से ज़्यादा मिल रहा है तो वो कंफर्म करेगा कि वो पेशेंट को बैक्टेरियल मैनेंजाइटिस जो है वो कंफर्म है तो ये जो चार्ट है उस पर से आप जो रिपोर्ट जो बनेगा पेशेंट का सेरेब्रस फाइनल फ्यूड की एनालिसिस का उससे जो है वो हम पता लगा सकते हैं कि कौन से टाइप का मैनेंजाइटिस वो पेशेंट को हुआ है तो ये था किस तरह से हमने कलेक्ट किया एंड उसका डायग्नोसिस अब बात है उसके ट्रीटमेंट की तो मैनिन्जाइटिस की जो ट्रीटमेंट होती है वो इमिडिएटली करनी चाहिए बिकॉज आगे जाके वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है इसीलिए लिखा है कि एक्यूट बैक्टीरियल मैनिन्जाइटिस मस्ट बी ट्रीटेड इमिडिएटली विथ इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ चॉइस है डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की और सेकंड ऑप्शन हमें दिया है स्टेरॉइड्स का कि जो कॉर्टिको स्टेरॉइड्स लिखे हैं एंड एंटीबायोटिक्स तो ये दो यहाँ पे मेन चॉइस है ट्रीटमेंट के लिए द हेल्प टू एंस्योर द रिकवरी एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन सच एस ब्रेन स्वेलिंग एंड सीजर्स एंड द एंटीबायोटिक और कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कोजिंग द इन्फेक्शन कौन से टाइप के बैक्टीरिया स्पेस्टल इन्फेक्शन करेंगे उसके बेसिस पर आप एंटीबायोटिक को चूज करते हैं तो जो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं उसमें से आप कॉम्बिनेसन यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉयड्स की जो स्टेरॉइड्स क्लास के मेन ड्रग है उनको भी दिया जाता है जिससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक्स कि जो स्पेशली कील करेंगे या फिर इनहिबिट करेंगे माइक्रोब्स को कि जिसके कारण ये डिसीज हो रही है बट जो बाकी का जो हीलिंग हम कहें रिपेयर का जो काम कहे का उसके लिए आप पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं तो स्टेरॉइड्स एंड एंटीबायोटिक यहाँ पे मेन चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट बनते हैं फॉर द मैन तो एंटीबायोटिक्स कौन से स्पेशलिस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पेशेंट्स को तो कॉमनली यूज मैनजाइटिस ट्रीटमेंट इंक्लूड अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक कॉल द सेफालसपोरिन सेफालसपोरिन में भी स्पेशली सेफुटाजाइम एज वेल well एज सेफ्ट्री एग्जॉन्स वगैरह पेशेंट को दी जाती है कि जिसके ब्रांड नेम है क्लैफोरान एंड रोसेफिन तो उसके ब्रांड नेम हुए बट मेन जीनेरिक के अंदर आप सेफोडाजाइम या फिर सेप्ट्री एक्सोन प्रीफर कर सकते कि जो सेफालोस्पोरिंग क्लास की ही ड्रग है एज वेल एज वेरियस पेनेसिल्स के टाइप्स फिर एमिनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग सच एस जेंटामिसिन एंड अदर आर ऑल्सो यूज तो ये है मैनिजेटिस की जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है उसके अंदर एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो ये था हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिसीज मैनिंजाइटिस ऐसे और वीडियो लेक्चर्स के लिए आप जरूर से फार्मोरक्स के चैनल के साथ जुड़े रहिए व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप से वहाँ पे तो आपका नाम सिटी नेम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एज़ वेल एज सब्सक्राइब करिए चैनल ऑल्सो यूज़ द बेल आईकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स की आपको जरूर से यूज़ करते रहिए जिससे आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाओगे सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट